हेलो डीपी फैमिली, नमस्ते, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज है मंडे, तो मेरा मंडे के दिन क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा मंदिर वंदिर जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन ये तो कोविड की वजह से सारा मंदिर वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। तो आज सुबह कुछ नहीं, बस ऐसे ही नया साल से सोच रहे थे कि मंदिर वगैरह जाए, लेकिन ये भीड़ को देख के तो नहीं जा पाए। और जब जाने वाले थे सब कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया कोविड की वजह से, तो सब कुछ बंद हो गया, तो मंदिर जा भी नहीं पाएंगे अभी। तो देखते ही भगवान की मर्जी कब ओपन होता है सब चीज़ वापस, सब मतलब अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ये कोविड फिर से शुरू हो गया, आप सबको पता है। तो सेफ रहिए गाइस, और सबका ख्याल रखिए, और आप खुद का भी ख्याल रखिए जो भी बाहर जाते हैं। खैर, घर में भी रहते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वायरस का तो पता नहीं है, कहीं से भी आ जाता है। तो सेफ रहिए सब, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनते रहिए। और आज है मंडे, और मंडे के दिन क्या क्या सब होता है दिन भर का मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और ये रही बेबी सानवी, वो अपने काम में बिजी है, देखिए। हेलो, शुरू हो गए क्या? लगाए दिन भर कुछ ना कुछ कारनामा करती रहती है उसकी, तो अभी खुली जो छूट बोलते हैं ना वो है। अच्छा सानवी, राइम्स गा दो, राइम्स राइम्स एक राइम्स। पिकबू, अच्छा पिकबू 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 सॉन्ग, पिकबू सॉन्ग, पिकबू 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 उसका वैसे बात वगैरह सारा हो चुका है, तो अभी मैंने उसको कुछ रेडी वगैरह नहीं किया है, सिर्फ उसको थोड़ा सा लोशन लगा के छोड़ दिया है, और उसको रेडी करूँगी अभी जाके, क्योंकि जैसे उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मैं ज़्यादा उसको नहाना मतलब थोड़ा सा स्पंज बाथ जो बोलते हैं वो मैं करके छोड़ देती हूँ उसको। और उसका ब्रशिंग वगैरह सारा वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म कर चुकी है ऑलरेडी, और थोड़ा सा अभी ऐसे ही मतलब फ्री कर रही है अपने आप को, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं तो सडन फ्री नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा उनको टाइम लगता है सेट होने में। तो वैसे ही सानवी है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी मेरा जो कैमरे, मैंने नोटिस नहीं किया था, मेरे कैमरे का जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गया है, तो अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी कैमरे को अब चार्जिंग बिठाने के लिए, और अभी मैं फ़िलहाल फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए शुरू हो गई उसको। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see. आज मैंने बहुत ट्राई करके ये जो विंग आई लाइनर है वो मैंने क्रिएट किया है। कैसा लग रहा है मेरा ये आई लाइनर? क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मतलब अपनी क्रिएटिविटी करती रहती हूँ बस। कोई आए हैं, एक मिनट।
लंच की प्रिपरेशन मम्मा ही करेंगे क्योंकि आज मंडे है। मंडे में सब कुछ मतलब जैसे जैन फूड होता है ना, बिना प्याज लहसुन का, उस टाइप का बनता है, तो वो सब मम्मा करेंगे। और सानवी की जितने भी जो भी, सिर्फ खिलाने को छोड़ के बाकी सब जो चीज़ें होती है वो मैं करूँगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लंच कर रही हूँ। तो आज मम्मा ने पराठे और गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सी, वो सबसे बेस्ट रहती है स्पेशली विंटर के टाइम पे। तो लंच कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा न्यू सोफा। कॉर्नर में बैठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं आप सबको बोली थी कि हम लोग क्या फर्नीचर लेने वाले थे। सो आप सबने गेस भी किया था कि कौन सा फर्नीचर है। तो ये रहा मेरा जो सस्पेंस में बोल रही थी वो आज रिवील हुआ। तो अभी जस्ट आया तो मैंने फटाक से शूट कर लिया। तो ये रहा हमारा फर्नीचर, सोफा सेट। लेकिन और भी कुछ है, वो भी थोड़ा सा आगे भी सस्पेंस है क्योंकि वो सेकंड ट्रिप में आएगा। तो अभी ये सोफा है, इसका ग्लास वगैरह भी अभी आने वाले हैं। ये टेबल का जो ग्लासेस होता है ना, ये भी आने वाले हैं। तो इसका जो अच्छा वाला जो रिव्यू है घर लोगों का, मतलब घर वालों का, तो मैं बाद में आपको दूंगी। तो देखते हैं सानवी का रिएक्शन क्या होता है और इसका जो कितना कॉस्ट आया और कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है। एक्चुअली इसका, इसको हमने बनवाया है, इसको खुद, ये जो सोफे को है, मैं जो गई थी जो शॉप में, वो फर्नीचर जो हाउस में, वहाँ से हमने बनवाया है, कस्टमाइज़ किया है सोफ़ा को। तो मतलब कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया है और जो उसका जो फॉर्म सीट आता है, तो ये सब अराउंड कितना कॉस्ट पड़ा, मैं आप सब कुछ इसका डिटेल में आपको मैं बाद में दूंगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको एंजॉय करने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी आपको इसका जो मटेरियल है, कॉस्ट वगैरह। तो सानवी नोएडा के जो हमारे फ्लैट है वहाँ पे ऐसे ही सोफ़ा है मेरे घर में। तो सानवी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी सोफे को, उसको जो मैं, जैसे मैं आपको बोल रही थी, उसको कुशन के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वहाँ पे दिल्ली में ऐसे ही कॉर्नर में जाके बैठ जाती थी और उसका फेवरेट कॉर्नर हुआ करता था, वो जाके वहाँ पे छुप के अपने पू के साथ, बड़ा वाला उसका पू है, उसके साथ वो खेलती थी। सारे कुशंस को लेके वहाँ पे गैदरिंग करके बहुत सारी चीज़ें वो खेलती थी। तो पापा यहाँ पे जब वो आई कुछ दिनों के बाद, जब भी वीडियो कॉल वगैरह करती थी मतलब दया को, तो वो ज़्यादा मिस करती थी वो कॉर्नर को। तो पापा ने कहा कि नहीं, ये वाला सोफ़ा हम लोग सेल कर देते हैं। तो परसों ये सोफ़ा पापा ने सेल कर दिया। तो ये वाला सस्पेंस था क्योंकि मैंने वो वीडियो में आपको दिखाया नहीं, आप सबने नोटिस किया होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब छुपाने की कोशिश की है, ट्राई किया है। तो आज मैंने वो रिवील किया और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप सबको कैसा लगा ये सोफ़ा और सोफ़ा का डिज़ाइन, ये मैंने कस्टमाइज़ किया है पापा और मैंने, सिर्फ मैंने, अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी, पापा और मैं। सिर्फ भाई गया था कि उसको थोड़ा सा, भाई को लेने मतलब उसके लिए भी सस्पेंस मतलब सरप्राइज था, लेकिन उसको पसंद नहीं आया जो डिज़ाइन मैंने दिखाया और फर्नीचर का, तो इसीलिए वो गया था। नेक्स्ट दिन, जो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, तो ये मैंने खुद कस्टमाइज, मतलब शॉप वाले भैया जो है ना, उनको बोल के मैंने वो किया था कस्टमाइज। इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी आपको। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप सबसे। सो गाइज, अभी और भी बहुत सारा सामान आ चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सामान अभी आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सब चीज़ें आया है।
2 seconds later. तो ये रहा ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला ड्रेसिंग टेबल था उसको भी पापा ने सेल कर दिया है. सो ये एक मॉड्यूलर ड्रेसिंग टेबल है. एक्चुअली हम लोग बनवाने वाले थे, लेकिन कारपेंटिंग जो भैया है उन्होंने थोड़ा सा गैप कर लिया है और अभी इतना टाइम भी नहीं है और बहुत सारा मतलब चीज़ें इधर बिखरा पड़ा हुआ है. सो पापा ने रेडीमेड ही ले लिया. ये भी कस्टमाइज का है, ये भी थोड़ा सा कस्टमाइज है. सो ये एक लॉन्ग मिरर वाला ड्रेसिंग टेबल है जो इसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज किया. ऊपर का पार्ट का थोड़ा सा हाइट करके इसको थोड़ा सा लाइट लगाने का टच दिया है, क्योंकि भाई को ये चाहिए था. तो और भी आया है सामान. ये रहा डाइनिंग का चेयर, क्योंकि डाइनिंग का जो चेयर था मम्मा का ये ख़राब हो गया. सो ये हमने नया चेयर लिया है डाइनिंग का. सॉरी इसको नहीं, इसको स्किप कीजिए, सिर्फ यही है. हमारा 4 सीटर का डाइनिंग है, लेकिन स्पेस काफ़ी इसका बड़ा है, आपको 6 सीटर का लगेगा. डाइनिंग नया नहीं है, ऑलरेडी ग्लास का है, बहुत अच्छा है. काम की वजह से थोड़ा सा डस्ट हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आजकल के जो जैसे ग्लासेस के जो डाइनिंग है ना वो वाला है. सो ये वाला चेयर लिया है स्टेनलेस स्टील का. और ये सारे जो मिरर के कैबिनेट्स जो है, कैबिनेट्स है जो वॉशरूम के लिए, ये भी बनवाने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी होते हैं. वाटरप्रूफ माइका लगाओ या फिर प्लाई लगाओ तब भी अभी इतना तो टाइम नहीं है और सामान सारा बिखरा पड़ा, जैसे मैं बोल रही थी आप सबसे. तो ये हमने रेडीमेड ही ले लिया, होगा तो कभी बाद में करेंगे, कोई नहीं. तो इसको भी लिया है और इसका अभी तक ग्लास एक जो इसका जो सेंटर टेबल का जो ग्लास है ना वो अभी तक आया नहीं है, वो कल लेके आएंगे भैया बोल रहे थे. और ये रहा सोफा का लुक. इस रूम में पूरा सामान भरा पड़ा है, इसको बाद में हम लोग सेट करेंगे. बेबी सानवी वो बहुत खुश हुई सोफा को देख के. पहले तो थोड़ा सा डर गई, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत हैप्पी थी. अभी भी आप देख सकते हैं कि सारा कुशंस के साथ वो खेल रही है, डांस कर रही है वहाँ पे. उसका ये डांस तो मतलब मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता, हम में से बच्चे तो कर लेते हैं खैर. और ये इसका फेवरेट जो बोलते हैं ना डांस स्टेप है. उसको बहुत अच्छा लगा ये सोफा, तो बहुत हैप्पी है वो.
शुरू हो गया। ये उसका पहले से ही हैबिट है, दिल्ली में ऐसे ही करती थी। तो इस सानवी इसको बहुत पसंद आया सोफा, सारे कुशन इधर ऊपर रख दिया सारा। आ रही हूँ। ओए ओए गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं 11, डिनर करने का टाइम है। तो आज मेरे डिनर में यम्मी यम्मी आलू का पराठा, और ये है मिक्स वेज कोरमा, और उड़ीसा का फेमस रसगुल्ला। तो आज का डिनर तो बहुत यम्मी होने वाला है। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस, और मेरे वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, और जब भी देखेंगे आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जो भी नए देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप सबके बिना मेरा सक्सेस अधूरा है। तो जल्दी से हमारी जो DPS फैमिली 1K हो जाए, ये आप सबकी ब्लेसिंग जल्दी जल्दी मुझे चाहिए। सब लोग ब्लेसिंग कीजिए और बहुत ढेर सारा प्यार बांटिए, प्यार दीजिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और सबका ख्याल रखें, आप खुद का भी ख्याल रखें, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, जो आज का सोफे का जो डिज़ाइन वगैरह है, कैसा लगा सबको प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका जो रिव्यू वगैरह है मैं आपको बाद में दूंगी, कौन सा मटेरियल का यूज़ हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय। पापा के फ्रेंड के जो होटल है, लेकिन ये बरमपुर का मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट, इतना टेस्टी होटल इतना रिजनेबल प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। होटल का नाम है होटल भूपति। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जो हमारे अंकल की जो होटल की जो टेस्ट वगैरह है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं अगर 10 out of कुछ मुझे रेटिंग देना होगा तो मैं 10 out of 10 ही दूंगी। तो इतना बेस्ट है ये, मतलब होटल का खाना, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है, तो ये इतनी टेस्टी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये है पनीर का पराठा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पनीर है, पनीर पूरा भरा पड़ा है। तो ये रहा पनीर का पराठा, और ये मिक्स वेज कोरमा है, और ये स्पेशली ये जो रसगुल्ला है, ये भी उन्हीं के शॉप से है। तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब उनके होटल का मैं बता नहीं सकती कि आपको कितना सारा डिशेस है, और सब डिशेस आपको नंबर 1 लगेगा। जब भी आप गंजाम या बरमपुर आओगे, स्पेशली बरमपुर में, मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगी आपको होटल भूपति। आप मतलब ये सबसे पुराना होटल भी है, और है तो पापा के फ्रेंड, और सबसे बेस्ट होटल है, और ये रिजनेबल प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना टेस्टी खाना, अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये खाना उतना टेस्टी है, मतलब सेटिस्फेक्शन लगता है। तो टेस्ट की तो बराबर कोई नहीं कर सकते। तो उस होटल के इंटीरियर भी मत जाइए, लेकिन उसका खाना मतलब मैं बता नहीं सकती, नंबर 1 है, A1 है।
और मतलब आप सोचोगे कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप एक बार टेस्ट जरूर कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना लजीज मतलब रिच खाना होता है वो। तो ये प्योर वेज है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं है, और वो विदाउट अनियन गार्लिक में भी बनाते हैं। तो हमारा अगर फास्टिंग वगैरह होता है तो हम लोग वहीं से लेके आते हैं। और वैरायटीज तो बहुत सारी वैरायटीज है, मतलब हमारे फंक्शंस वगैरह होती है तो हम कैटरिंग तो उनको ही देते हैं।